बीजेपी सरकार नाम बदलने की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, जाति की राजनीति करती है, और पेट्रोल 100 रुपये क्रॉस कर चुका है। सरकार महंगाई कम करने की बात नहीं कर रही, सरकार रिलायंस के पंप चलवाना चाहती है, उनकी रिफाइनरी को वेटेज दिलाना चाहती है। बिल्कुल जो ई वे बिल का सिस्टम निकाला है, जिसके वजह से सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हड़ताल पे गया, 24 घंटे के अंदर चीज़ें क्रॉस होनी चाहिए ई वे बिल के हिसाब से। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। देश भर में पेट्रोल और डीजल के साथ साथ गैस सिलेंडर के दामों में लगातार इजाफा देखने को मिला। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद सुशील जी हैं। सर, लगातार दामों में वृद्धि हो रही है, सरकार कह रही है महंगाई कम करने की कोशिश की जा रही है। हर रोज़ पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, रसोई गैस के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल और पेट्रोल 100 रुपये क्रॉस कर चुका है। सरकार महंगाई कम करने की बात नहीं कर रही, सरकार रिलायंस के पंप चलवाना चाहती है, उनकी रिफाइनरी को वेटेज दिलाना चाहती है। हिंदुस्तान के गरीब जनता पे जो बोझ पड़ रहा है, इनको अपने एक्साइज ड्यूटी चाहिए और अपने पूंजीपति मित्र अडानी और अंबानी की भलाई चाहिए। आज 20 करोड़ नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, नोटबंदी के बाद से लेके फिर कोरोना के काल के लेके हिंदुस्तान के अंदर ना तो ये नई इंडस्ट्री लगा पा रहे हैं, नई व्यापारों को सुगम करा पा रहे हैं, अन्यथा महंगाई चरम सीमा पर पहुँचती जा रही है, लोगों का घर का खर्चा चलना मुश्किल हो चुका है। सरकार की ओर से तर्क दिया जाता है कि सर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो महंगाई बढ़ रही है उसके कारण तेल पर असर पड़ा, साथ ही कोरोना में जो अर्थव्यवस्था चौपट हुई उसके कारण भी महंगाई देखने को मिली। पिछले साल जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर डीजल और पेट्रोल कच्चा तेल इतना सस्ता हो गया था तो भी ये बढ़ाते रहे थे, तब एक्साइज ड्यूटी इतनी बढ़ा दी थी, अब उसको कम क्यों नहीं करते? अपनी एक्साइज ड्यूटी को कम करें, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का इफेक्ट नहीं है, इनकी एक्साइज ड्यूटी है जो इनको ख़त्म करनी पड़ेगी। आज देश भर में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा भारत बंद का आह्वान किया, आम आदमी पार्टी का सपोर्ट है उनको? बिल्कुल, जो ई वे बिल का सिस्टम निकाला है, जिसके वजह से सारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम हड़ताल पे गया, 24 घंटे के अंदर चीज़ें क्रॉस होनी चाहिए ई वे बिल के हिसाब से। ट्रांसपोर्टर को पहले माल इकट्ठा करना पड़ता है, फिर यहाँ से कलकत्ता गया, बॉम्बे गया, उनको अनेकों तरह की समस्याएं आती हैं। वित्त मंत्री जी को उनके साथ बैठना चाहिए और GST के इस मसूदे के अंदर अमेंडमेंट करना चाहिए। दिल्ली में भी पेट्रोल डीजल के दाम 90 के पास जा चुके, क्या आम आदमी पार्टी भी सरकार अपने स्तर से कुछ इसमें गिरावट देखे? आम आदमी पार्टी ने तो पिछले कुछ दिनों पहले 8 रुपये लीटर घटाया था अपनी तरफ से, हम घटा चुके हैं, अब केंद्र सरकार की बारी है, वो घटाएं, देखते हैं क्या होता है। एक आखिरी सवाल है सर कि जिस प्रकार से पिछले दिनों मोटेरा स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। ये बीजेपी सरकार नाम बदलने की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, जाति की राजनीति करती है, इनको काम करना चाहिए बिजली के लिए, पानी के लिए, रोजगार के लिए, व्यापार के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जहाँ इनका ध्यान ही नहीं है, ये सिर्फ हिंदुस्तान और पाकिस्तान की राजनीति करती है। ये तो सुशील गुप्ता जी, दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए धीरज सिंह की रिपोर्ट।